subscribe button. Press the bell icon for no. के बारे में जहां भी जा रही हूं अनूप जी के बारे में पूछा जाता है मुझसे, जब मैं स्टेज पे होती हूं तभी मुझसे पूछा जाता है कि अनूप जी कहां पर हैं, और अनूप जी से पूछते हैं भाभी जी कहां जाना, बैठ जाना नीचे, बैठ के कर लेना। आज मैं यहाँ पर हूँ MWFIFF के लिए, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और जैसे कि ये फिल्म फेस्टिवल हो रहा है, आई थिंक ये बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है जो देवाशीष जी ने और उनकी पूरी टीम ने ये इनिशिएटिव लिया है, और ये बहुत ही अच्छी बात है, बिकॉज जितनी अच्छी मूवीज़ यू नो जो नहीं, जिनकी मूवीज़ शोकेस अच्छे से हो पाती हैं, जिन्हें मौका नहीं मिल पाता, उन्हें ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी फिल्म्स यहाँ पर यू नो लोगों तक पहुँचाएँ, उनकी स्टोरीज़। जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, एंड या सो मेकर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं आई हूँ यहाँ पर, और डेफिनेटली आई विल हैव अ ग्रेट टाइम, सबके साथ मिलूंगी। ओके जसलीन, आपकी अगर बात करिए तो आने वाले टाइम में आप भी कोई किसी वेब सीरीज में नजर आएंगी, या मतलब वेब सीरीज में नहीं, आप मुझे नहीं आप मुझे एक हिंदी मूवी में देखेंगे अभी जो 2020 में रिलीज होगी। वी आर वर्किंग ऑन इट, और नेक्स्ट मंथ हमारी वन स्केड्यूल में हम पूरी शूट ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मेरी भी डेट्स अवेलेबल नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ। अभी 25 दिसंबर भी आ रहा है, क्रिसमस के शोज़ हैं, न्यू ईयर का शो होगा, एंड बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैवल चल रहा है, अनूप जी का भी ट्रैवल बहुत ज़्यादा है, तो हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि डेट्स हमारी यू नो आपस में मिल जाए और फिर वो शूट हम ख़त्म करें। तो दिसंबर में हम वन स्केड्यूल में फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में बिग बॉस भी चल रहा है, आप भी बिग बॉस के हिस्सा रह चुके हैं, तो कितना फॉलो कर पा रही हैं? मैं बिग बॉस को बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ, मैं बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं यहाँ पर हूँ, अब मैं परसों लखनऊ जा रही हूँ, और मेरे बैक टू बैक इवेंट्स चल रहे हैं, मेरे खुद के जो सिंगिंग शोज़ होते हैं, मैं उसी में इतना ज़्यादा बिजी हूँ कि मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मेरे कंटेस्टेंट्स फेवरेट हैं, एक तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला बहुत अच्छे लग रहे हैं, आरती सिंह बहुत अच्छी लग रही हैं, रश्मि इज़ डूइंग गुड, तो ये मेरे कुछ फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं। बाकी बहुत सारी बातें मेरे बारे में बोली है कि जिस तरह से यू नो बहुत सारे फैन पेजेस जो मेरे नाम के बने हुए हैं वो कुछ ना कुछ मेरी बिहाफ पे पोस्ट करते रहते हैं, तो लोग उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अजीम के बारे में मेरे किसी ट्विटर फैन पेज ने कुछ कमेंट कर दिया था, और अजीम के जितने फैंस हैं वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हुए थे। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, मैंने ऐसा कोई कॉमेंट किसी के बारे में नहीं कहा है। रिसेंटली देबोलीना के बारे में भी किसी ने कुछ कहा, और शिफाली के बारे में कुछ कहा कि मैं कह रही हूँ कि वो कोई पता नहीं कुछ वर्ड्स उन्होंने कहे। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जो वेरीफाइड प्रोफाइल है, अगर उससे कोई, अगर मेरी तरफ से कोई कमेंट आता है तो उसे सीरियसली लीजिए। बाकी फैन पेजेस से लोग कुछ भी लिख रहे हैं किसी के बारे में कि जसलीन ने ये कोट किया है, तो प्लीज़ उसको ना माने, क्योंकि मैंने बिग बॉस ऑनेस्टली देखा ही नहीं है और मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। सो जब भी कुछ ऐसा होगा मैं खुद सामने से कहूँगी कंटेस्टेंट्स मेरे जो भी फेवरेट हैं उनके बारे में। एंड जसलीन, इसी के साथ में जिस तरीके से बहुत सारे कंटेस्टेंट जो हैं वो उनका बिग बॉस गाना गाना लगा रहता है, जो एक्स कंटेस्टेंट जो होते हैं, तो आप भी जाने दिखेंगी अभी जाके? आप भी, आई डोंट नो, अभी अगर मेकर्स ने मुझे बुलाया तो डेफिनेटली जाऊँगी, फिलहाल तो ऐसी कोई न्यूज़ है नहीं और फिलहाल ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, पर उन्होंने बुलाया तो ज़रूर जाऊँगी। इट्स अ कॉमेडी, इट्स अ कॉमेडी मूवी जो मैं कर रही हूँ, वो मेरी स्टूडेंट है। देखिए कितनी सारी बातें हो गई मेरे और अनूप जी के बारे में, जहाँ भी जा रही हूँ अनूप जी के बारे में पूछा जाता है मुझसे, जब मैं स्टेज पे होती हूँ तभी मुझसे पूछा जाता है कि अनूप जी कहाँ पर हैं, और अनूप जी से पूछते हैं भाभी जी कहाँ पर हैं, तो बहुत बातें हो गई मेरी और उनके बारे में। तो हमने डिसाइड किया, हमारे बड़े खर्चे हो गए इस चक्कर में, हम मूवी के थ्रू बताना चाहते हैं लोगों को कि एग्जैक्टली हमारा रिलेशनशिप क्या है, और ये बहुत ही सीरियस टॉपिक नहीं होगा, एक बहुत ही फन तरीके में, मजाक में, कॉमेडी वे में हम ये यू नो दिखाएंगे, लोगों तक मैसेज पहुंचाएंगे कि एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप है, और मूवी का टाइटल है वो मेरी स्टूडेंट है। काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बिग बॉस में, वो क्वेश्चन भी दिखाया गया, क्योंकि आपने कहा कि जो हुआ है हमारे बीच वो दर्शाया गया है, तो जो लास्ट ईयर जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो क्वेश्चन भी दिखाया जाएगा फिल्म में। अब क्या दिखाया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, लेकिन सिर्फ एक रिलेशनशिप क्या है वो लोगों तक बिल्कुल पहुंचाने की कोशिश है, और ये मेरी आखिरी उम्मीद है कि मैं किस तरह से लोगों को ये बता सकूं कि एग्जैक्टली ये क्या रिश्ता है हमारा, है ना। तो क्योंकि इतनी बातें हो गई और हर कोई ये बातें पूछ रहा है, तो जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो या
ये कहानी होगी बेस, मतलब स्टोरी लाइन ये है. और कैसे अब वो स्क्रीन प्ले कैसा है, मेरे पापा इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं ने लिखी है स्क्रीन प्ले, तो अब स्क्रीन प्ले क्या है वो आपको देखने मिलेगा थिएटर्स में. राखी साहब का नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसे ये इस तरह ऐसे कोई ऐसी मूवी नहीं है कि मतलब सारी बिग बॉस हो रहा है उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि हम बिग बॉस में जा रहे हैं, हम राखी सावंत ने कुछ कहा, ऐसी नहीं है. ये एक प्रॉपर हिंदी मूवी है जिसमें एक कहानी बनाई गई है, तो ये किरदार नहीं होंगे उसमें और राखी जी नहीं होंगी इस मूवी में. तो ठीक है, जो भी उन्होंने कहा उससे कोई मुझे कोई लगता नहीं कुछ. मुझे बहुत फनी लगा जिस तरह से उन्होंने कहा, एंड मैं उनको जानती भी हूँ एंड शी इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा उनकी बातों का. ठीक है, मजाक मस्ती चलती रहती है, वो मजाक कर रही थी तो फिर हमने भी उसको मजाक में ही ले लिया. थैंक यू.